दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमर सिंह और मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों देखिए, ये मेरा डिनर टाइम यानी कि 8 बजे से पहले मैं अपना डिनर ले लेता हूँ और आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि अगर आप रात का जो खान पान है सोने से कम 3 से 4 घंटा पहले आपको लेना है, क्योंकि अभी दोस्तों देखिए 8 से यानी कि मतलब 11 साढ़े 11 बजे हम थोड़ा मेहनत करते हैं, अभी मतलब ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो यानी कि ये जो खान पान है ये पच जाएगा दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दोस्तों देखिए, मोटापा किससे कम होता है? खान पान करने से कम होता है, मेहनत करने से कम होता है, जीवन शैली को सही अपनाने से कम होता है। ये देखिए दोस्तों, ये वेजिटेरियन सब्जी है दोस्तों देखिए, और 2 से 3 चपाती है दोस्तों देखिए। मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लेता हूँ, लंच अच्छा लेता हूँ, तो डिनर में ऑलरेडी आपको भूख कम लगेगी। 3 से 4 चपाती है वो बहुत है इतनी प्लेट, कोई बटर नहीं, कोई घी नहीं और कोई सलाद नहीं है अभी। दोस्तों देखिए, आपको रात का जो खान पान है हल्का खान पान करना है जो जल्दी पच जाए, और दोस्तों देखिए इस मोटापे को कम करिए, देखिए इस फैट को, इस पेट की अधिक चर्बी को कम करें। दोस्तों देखिए, समय रहते हुए मोटापे से डरे नहीं, मोटापा कम होता है, पेट की अधिक चर्बी कम होती है, मैंने कम करी ना दोस्तों देखिए, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, केवल अपने पे अपने आप पे विश्वास करना, अपने खान पे विश्वास, अपने खान पान पे विश्वास करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है, अपनी जीवन शैली पे विश्वास करना है। किसी दवाइयों से मोटापा कम नहीं होता, किसी भी प्रकार की दवाइयों से मोटापा कम नहीं होता है। आपको क्या करना है, सूर्य उदय से पहले पहले उठना है, सूर्य उदय से पहले पहले योग एक्सरसाइज को अपनाना है, सूर्य उदय से पहले पहले भक्ति या जो भी आप करते हैं किसी भी धर्म से, दोस्तों देखिए किसी भी धर्म से भक्ति करें। दोस्तों देखिए, अगर आप करना चाहें तो दोस्तों करें, और उसके बाद आपको क्या करना है, 9 बजे से पहले पहले अपना ब्रेकफास्ट लेना है, और 2 बजे से पहले पहले आपको लंच लेना है, और सोने का जो मतलब जो रात का जो खान पान है सोने से कम 3 से 4 घंटा पहले लेना है। तो दोस्तों देखिए, यही मैं प्रतिक्रिया अपनाता हूँ दोस्तों की, और आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि मोटापे से डरे नहीं, मोटापा कम होता है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है मोटापा कम करना। दोस्तों देखिए, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही सरल है मोटापा कम करना। किससे मोटापा कम होता है? खान पान करने से मोटापा कम होता है, इंजॉय करने से मोटापा कम होता है, मौज मस्ती करने से मोटापा कम होता है, जीवन शैली को सही अपनाने से मोटापा कम होता है। बस यही चीज है दोस्तों की, यही प्रतिक्रिया मैं अपनाता हूँ, और यही वीडियो मैं आपको अपने मतलब आपके ऊपर शेयर करता हूँ कि इस मोटापे से डरे नहीं, योग एक्सरसाइज को अपनाए, सूर्य उदय से पहले पहले आधा घंटा अपने दें, आधा घंटा केवल, उसके बाद जो दिन में जो मेहनत होती है, दिन में जो मेहनत होती है, हम मतलब ये अभी ये मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, रात का खान पान, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि रात का जो खान पान है हल्का लें, और 2 से 3 से 4 घंटा पहले ले, सोने से पहले 3 से 4 घंटा पहले आपको रात का खान पान लेना। हल्का मतलब कौन सा, जो जल्दी पच जाए। दोस्तों देखिए, वेजिटेरियन सब्जी है दोस्तों की, लौकी है कुछ इसमें, और सब्जी भी है, टमाटर वमाटर कई चीज़ें मिली हुई है, और ये प्लेन चपाती है दोस्तों की, आप कुछ भी ले, लेकिन हल्का खान पान लेना है, वेजिटेरियन लेना है, वेजिटेरियन। अब एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ठंडे पदार्थ, जंक फूड, इनका सेवन आपको रात को बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना रात को। अगर आप ओवरवेट हैं या कोई भी असाध्य रोग है, एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों देखिए, अगर आप ओवरवेट हैं या कोई भी असाध्य रोग है, तो आप रात को एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, जंक फूड और ठंडे पदार्थ का सेवन नहीं करना है। इनका सेवन कभी कभार इमरजेंसी के तौर पर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका सेवन आप कंटिन्यू करते हैं रात को, तो ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं, इनको आप अपनाएं और 100% मोटापा कम होगा। आपको क्या करना है, खान पान करना है, ब्रेकफास्ट प्रतिदिन करना है, लंच प्रतिदिन करना है, डिनर प्रतिदिन करना है। तो मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और समय रहते हुए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों की, समय रहते हुए इस फैट, इस मोटापे को और इन असाध्य रोगों को कंट्रोल करें। तो मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।